नमस्कार, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय? जी सर। जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या है? राजू भाई करपड़ा। जी जी, मेरा जी मेरा भतीजा अभी यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसा है। वहाँ पोलैंड में उसे एंट्री नहीं मिल रही है। जी सर, पोलैंड में एंट्री मिलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। टेम्पररी बॉर्डर बंद हो गया है, कब खुलेगा पता नहीं। बच्चे से कहिए प्लीज कोई सेफ जगह ढूंढ के वहाँ रहे थोड़े टाइम। मैडम वहाँ से मैडम वहाँ एम्बेसी ने ही बोला था उन्हें कि आप पोलैंड बॉर्डर पे चले जाइए। इस टाइम एम्बेसी ने बोला था, उस टाइम पे बॉर्डर खुला हुआ था, अभी बंद हो गया है। अभी तो 1200-1300 हमारे स्टूडेंट वहाँ रुके है। खाने पीने की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं की गई है और पोलैंड वाले सभी और कंट्री वाले को यहाँ एंट्री मिल रही है पोलैंड में। जी, ओनली इंडियन को ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है सर, कुछ डिप्लोमेटिक इशू है जिसकी वजह से बंद हो गया है सर। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगी। कितना टाइम लगेगा मैडम? कुछ आइडिया नहीं है सर, बिल्कुल आइडिया। मैडम तो मैडम तो ये हेल्पलाइन नंबर का मतलब क्या है आप मेरे को बताएंगे? सर, हेल्पलाइन हमारा फैमिली का मेंबर वहाँ हमारा फैमिली मेंबर वहाँ फंस गया है। सर, एक बात सुनिए, पोलैंड की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम भारतीयों को अंदर नहीं आने देंगे। दूसरी बात सर, भारत सरकार ने जनवरी के एंड में एडवाइजरी निकाली थी कि लोग आ जाएं वापस, स्टूडेंट स्पेशली। ये बात क्या हुई मैडम? पहले तो जो भी बोला था, अभी तो ये हेल्पलाइन नंबर इसीलिए चालू किया है कि जो भी स्टूडेंट रुके हैं, फंसे हैं स्टूडेंट, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है ना। जनवरी में हमने बता दिया था, ये कहने के लिए हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है आपने? सर, जनवरी में बता दिया था, जो आप कह रहे हैं आपके घर का बच्चा फंसा हुआ है, मैं उसी पे आपको बताई हूँ। जनवरी में ही बता दिया था कि मतलब आप साफ साफ बोल दीजिए ना कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं बताते हो? अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बॉर्डर्स बंद हैं, भारतीयों को नहीं जाने दे रहे हैं हमारे ऑफिस। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है? इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, सारी बाहर की गवर्नमेंट।